बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी को प्रमोट करने में लगी पड़ी हैं। कंगना रनौत ने इसी बीच इंटरव्यू दिए हैं जिनमें उन्होंने बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक तक कई सवालों के जवाब दे दिए। बातचीत में उन्होंने बॉलीवुड के एक होपलेस प्लेस कहा। कंगना रनौत ने कहा कि यहाँ वही लोग आते हैं और बढ़ते हैं जिन्हें चीजें आसानी से मिल जाती हैं। कंगना रनौत ने नेपोटिज्म के मुद्दे पर खुलकर बोला और कहा कि कई बार ये कह चुकी हैं कि वो बॉलीवुड का हिस्सा नहीं है। एक्ट्रेस ने इंटरव्यू के दौरान बातचीत में कहा कि सिर्फ कुछ ही लोगों को मुझसे दिक्कत है, वरना तो आप देखेंगे कि मैंने चुनाव जीता है और जिस तरह का प्यार मुझे इंडस्ट्री से मिलता है उससे मैंने अपने आप को और अपनी बात को साबित कर दिया। तो आप दिक्कत मेरे साथ या नहीं है, उन लोगों के साथ दिक्कत है जो मुझे गलत समझते हैं। कंगना रनौत ने अपने जवाब के साथ ये बताने की कोशिश की कि गिनती के लोग हैं जो उन्हें नापसंद करते हैं, वरना तो उन्हें बॉलीवुड से लेकर आम जनता तक फुल सपोर्ट मिलता रहा है। कंगना रनौत से जब बॉलीवुड बॉयकॉट को लेकर सवाल किया गया तो एक्ट्रेस ने बोला कि बॉलीवुड में अगर ईमानदारी से कहूँ तो ये बहुत होपलेस जगह है, कुछ नहीं होने वाला इन सब का। एक तो टैलेंट से ये लोग जलते हैं, जो भी इन्हें टैलेंटेड दिखता है ना उसको आगे बढ़ने देते हैं और हमेशा पीछे पड़ जाते हैं ताकि वो उसको ख़त्म कर सकें, उनका करियर बर्बाद कर देते हैं, उनको बॉयकॉट कर देते हैं, इतना गंदा पीआर करते हैं और उनको बदनाम कर देते हैं। आपको बता दें कि इंटरव्यू में कंगना रनौत ने उन्हें बॉलीवुड का हिस्सा कहने पर आपत्ति जता दी। कंगना रनौत ने राज शामिनी के पॉडकास्ट में कहा कि देखो मैं बॉलीवुड का हिस्सा नहीं हूँ, ठीक है। बात करें उनकी अपकमिंग फिल्म के बारे में तो फिल्म गैंगस्टर के साथ अपना करियर शुरू करने वाली कंगना रनौत ने वो लम्हे, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई और डबल धमाल जैसी फिल्मों में भी काम किया। अब वो स्वनिर्देशित फिल्म इमरजेंसी में इंदिरा गांधी का किरदार निभाती नजर आएंगी। कंगना रनौत क्योंकि एक राजनेता भी हैं इसलिए उनकी इस फिल्म का जमकर विरोध किया जा रहा है। अब जल्द ही इमरजेंसी सिनेमाघरों में 6 सितंबर को लॉन्च हो जाएगी और आप भी जाके अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में उसे देख पाएंगे। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।